ब्लड की जरूरत है, ये भी फ्री है। बाद पुलिस का ही मैं रूप मानता हूँ जो धरती पे है, मेरे मन में आता है, मुझे अच्छा लगता है। देखने वाले सारे भाई हैं मेरे दिल तय, राम राम। मैं आपका पिंटू सिरसवाल। सबसे तो पहले आपने एक बात बता दूँ कि जो आज की वीडियो जो बन रही है, आज का जो इंटरव्यू चलेगा, एक मोटिवेशन वीडियो होगी। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो जैसे कि आपको, अगर आप कैथल जिले के अंदर एंट्री करोगे तो आपको जगह जगह पर सुनील संधु का नाम लिखा पाएगा। पेड़, जैसे कि जो सड़कों पे पेड़ लगे होते हैं जाड़े के अंदर, उस पर। तो आज हम एक ऐसे समाज सेविक पुलिस वाले से बात करेंगे जो बहुत अच्छे काम करते हैं, जो समाज के प्रति काम करते हैं। गरीब बच्चों को कपड़े देते हैं उनको, ठीक है, उनको खाना खिलाते हैं। तो इनके एक संस्था, इनकी एक संस्था ही बोल देते हैं, या फिर अकेले भी काम करते हैं आपको। तो आज की मुलाकात पुलिस वाले सुनील संधु जी के साथ। सर बुलंद हौसले देखना, एक बार राम राम करते हैं। राम राम जी। सर सबसे पहले बहुत सारे जो जनता है जानना चाह रही है कि जो अपने समाज सेवी का जो काम शुरू कराया है, तो कहाँ से शुरू कराया है, कि मन में कहाँ से जिज्ञासा पैदा हुई? भाई जिज्ञासा घर से पैदा हुई थी ना, मेरी कोई संस्था है, मैं बताता हूँ आपको, मेरी कोई संस्था नहीं है। जो मेरे मन में आता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं करता हूँ। अपने साथी हैं, जब मुझे सहयोग की जरूरत पड़ती है कभी, तो किसी का मन करे तो मैं उनको बुला लेता हूँ, भाई आप साथ चलिए, आप भी करिए। बस यही है जो मन को भाए, वो काम जो लोगों को मोटिवेट कर सके, ऐसे काम करने चाहिए, यही मेरा एक प्रयास है। ये जो आपने शुरुआत करी है, जो ये समाज सेवी, ये पुलिस में भर्ती होने से बात करी है, पहले करते थे? मैं पहले, मेरा जुगाड़ नहीं था भाई, मतलब भाई मैं किसी के प्रति दो पैसे खर्च कर सकूं। लेकिन जब मैं नौकरी पे लगा तो मैंने सोचा था कि मैं भी थोड़ा थोड़ा जितनी भी उसकी किसी की मदद करूँगा। उसके बाद ही शुरुआत की थी। तो माँ बाप ने जो सिखाया है, चोरी जारी ठगी इनसे बचना है, उन चीज़ों उनके मतलब दिए हुए सिखाए हुए बातों के ऊपर ही अमल करके हम अपने एक अलग सोच के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं। और ड्यूटी के साथ साथ पौधे लगा दिए, किसी गरीब बच्चे को जो ज़रूरतमंद है किताबें दिलवा दी, पढ़ाई का के लिए स्कूल में एडमिशन करवा दिया, किसी को ब्लड की ज़रूरत है ये भी फ्री है अपना, ये भी दे देता हूँ, अपने साथियों से दिलवा देता हूँ। मतलब कोई ज़रूरी नहीं होता कि पैसे से ही समाज सेवा होती है। और मैं कोई अपने आप को समाज सेवी नहीं मानता, और ना मैं कहता कि भाई मैं समाज सेवा करता हूँ। मेरा तो एक छोटा सा बस यही प्रयास है कि हम मिलजुल के थोड़ा थोड़ा काम करते रहें। पौधे लगाने में भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, देख रेख में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब अगर जिसके पास देने के लिए टाइम है वो पुराने कपड़े दे देते हैं, झुग्गी झोपड़ी भट्ठे वाले बच्चों को इकट्ठे करके स्कूलों से। बस ये इस टाइप के छोटे छोटे से प्रयास हैं, और मोटिवेशन के लिए वीडियो बना देते हैं जागरूकता के लिए, ताकि लोग जागरूक हों और किसी का भला उसके। जैसे कि बहुत अच्छी बात है सर, आप इतना अच्छा समाज से काम कर रहे हो, गरीब बच्चों की हेल्प कर रहे हो। तो कई बोल देते हैं जिस तरह की, भाई अगर समाज सेवी कर रहे हैं तो वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं होता। वो मूर्ख लोग होते हैं जिनको वो बोलते हैं, और जो जवाब देते हैं वो भी मूर्ख होते हैं मेरी नज़र में। आप कर रहे हो, आपके मन को अच्छा लगता है, आप वीडियो बना रहे हो, वो भी आपके मन को अच्छा लगता है। उनको पूछ के ना आपने अच्छा काम किया, ना उनको पूछ के आपने वीडियो बनाई। आप करोगे तब भी कुछ बोलेंगे, नहीं करोगे तब भी कुछ बोलेंगे। पुलिस को कौन अच्छा बोलता है, ये कर दिया वो कर दिया। भगवान के बाद पुलिस का ही मैं रूप मानता हूँ जो धरती पे है, वो आत्मा में है और लोग उस पर विश्वास करते हैं। किसी के साथ झगड़ा हो, इन्या मांगने कहाँ आते हैं, पुलिस के पास आते हैं। मतलब शादी में कौन बुलाता है पुलिस को, कोई नहीं बुलाता। झगड़े में, इनमें, इन चीज़ों में एक पार्टी संतुष्ट होती है, जो जिसका सुरवार है वो तो गाली देके जाएगी। भाई पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, मतलब कहते हैं ले लिया दे लिया, वो उनकी गलती है। अपने स्वार्थ के लिए कोई किसी को दे, हमने तो कभी मतलब ना किसी से हम लेते, ना हम कहते कि कोई ले, जो हमें ठीक लगता है। वीडियो बनाना, अगर मैंने वीडियो बनाई है तो आप आज मुझे जानते हो, अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो आपको क्या पता कि सुनील संधु कौन है। वीडियो बनाता हूँ, मेरी वीडियो देख देख के दुनिया भर के लड़के हैं, दोस्त हैं मेरे भी हैं, जो पौधे लगा के मुझे फ़ोटो भेजते हैं कि सुनील भाई हमने भी आपकी वीडियो देख के किया है, हमने आपकी वीडियो देख के इसकी मदद की है, आपकी वीडियो देख के घायल को हॉस्पिटल पहुँचाया है, आपकी ही वीडियो देख के हमने आज इन बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को खाना खिलाया, किताबें दी है और कपड़े दिए हैं, और यहाँ भी पौधे भी लगाए हैं। ये वीडियो से ही तो है, नहीं मेरे को कौन जानता है।
बहुत बढ़िया, इनकी वीडियो बनाना भी एक मोटिवेशन ही काम हो गया ये, इनकी लोगों को जागरूक करना, क्योंकि वीडियो के जरिए ही लोग जागरूक हो रहे हैं आजकल, इन लोगों को कैसे पता लगता। बहुत सही कहा सर आपने। अब मैं तिरंगे लगाता था मेरे गांव में, लगाए हमने जितने घरों पे उसका, और लोगों को मैं बांटता हूँ भाई तिरंगे के प्रति, देशभक्ति के प्रति भावना। अब पिछले टाइम देखा नहीं आपने, जिसने भी जो भी किया, एजिटेशन हो, तिरंगा यात्रा हो, कोई पार्टी हो या कोई विरोध हो, हर जगह तिरंगा। मेरा सपना था ये कि तिरंगा हर हाथ में हो, हर घर की छत पे हो। निंदल साहब ने हमें ये कोर्ट में केस लड़के तिरंगा फहराने की हर नागरिक को आज़ादी दिलवाई। उसके बाद अब लोग कहते हैं तिरंगे के, भाई मेरी मर्जी, मेरा तिरंगा, मैं तिरंगे का और तिरंगा हम सब का, हम फोटो उतारें तो इसमें बुराई क्या, लोगों का काम होता है। मिंटू भाई कहना, आप कुछ करोगे तो भी कहेंगे, नहीं करोगे तो भी कहेंगे, कमी तो निकालते हैं। लेकिन मैं बचा हुआ हूँ भगवान की दया से, ना मैं किसी की कंट्रोवर्सी में पड़ता और ना मैं किसी के, मतलब मुझे मतलब नहीं है इन चीज़ों से, मैं अपना काम करता हूँ चला जाता हूँ। स्टाफ जो आपका जो स्टाफ है उसका क्या रिस्पॉन्स है आपके ऊपर? कुछ नहीं, ना मैं उनसे पूछ के करता ना वो, मतलब उनका क्या, वो अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, मैं अपनी करता हूँ। जॉब के टाइम सर्विस कर रहे, जॉब के टाइम, जॉब का टाइम है, उस टाइम ये करते हो काम या फिर बाद में करते हो? नहीं, अभी घर जाऊँगा तो जाते हुए कर लूँगा, आऊँगा घर से तब भी कर लूँगा, और बीच में टाइम है तो भी चला जाऊँगा। ये तो अगर हम एक ही जगह, तो पुलिस की ड्यूटी नहीं होती, कहीं भी इधर से उधर निकल गया, चलते चलते कर लो। जिसने पौधा लगाना है साथ बाइक में रख लो, जिसने लगाना ही है, किसी को देना है। मेरे पास दुनिया भर की कॉल आती थी, भाई साहब पौधे चाहिए, मैंने ही चौंकी में से दुनिया भर के दोस्तों को, जिसने भी मांगे उसी को पौधे अवेलेबल करवाए। एक दो ऐसे भी हम झूठे, हाँ कर लेंगे, सोचते हैं कि घर जगह के भी मैं ही लगाया, उनके खेत में लगा के भी आया हूँ, जिसके नहीं जा पाया तो वो कहते हैं और आपने पौधे नहीं पहुँचाए, नाराज भी हो जाते हैं। एक आदमी, मतलब जो मेरी कैपेसिटी है, मैं उस हिसाब से भगवान से डर के जो अच्छा मेरा प्रयास है कर रहा हूँ, और प्रयास है कि मैं हर आदमी के काम आ सकूँ जो मुझसे उम्मीद करे। अगर कोई भाई हेल्प लेना चाहते हो आपसे, कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहोगे? मेरा खुद का नंबर है 9476785004, 9476785004। और हेल्प कुछ नहीं भाई, हेल्प तो मांगने वाले लाखों रुपये भी कह देते हैं, इतने दे दो जी बिजनेस करना, मैं उन टाइप का नहीं। मैं तो मतलब छोटी मोटी जागरूकता, छोटे मोटे मेरे हैं, राशन दे दिया किसी ज़रूरतमंद परिवार को, भाई इस टाइप की हेल्प करता हूँ, मेरे से ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मोटिवेशन दे सकता हूँ जितना मैं जानता हूँ, मैं अपने आप को ज्ञानी ध्यानी भी नहीं मानता, लेकिन किसी को अगर अपनी सलाह से अच्छा उसका फ़ायदा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके पास भी पुराने जो वेस्ट कपड़े हो गए हैं, जैसे छोटे हो गए हैं, आपके पास भी हो सकते हैं, आपके बच्चों के पास भी, आपकी माँ चाची ताई, पुराने कंबल खेसी, जिसको लगता है कि हमारे काम के नहीं है, वो मेरे से संपर्क करके मेरे पास पहुँचाए, मैं उन्हें किसी ज़रूरतमंद को तंडकने के लिए दूंगा। इस मेरी मुहिम से अगर किसी को जुड़ना है तो मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया, किसी के पास भी पुराने कपड़े हैं, जो वेस्टिज हैं, जो नहीं पहनते, तो जिसको भी इस भाई सर के साथ जुड़ना है, किसी गरीब को कपड़े देने हैं वो, तो सर के पास कॉल या व्हाट्सएप करके फ़ोन कर सकते हो, यहाँ पर आके दे सकते हो। और मेरे साथ भी क्या जुड़ना है मिंटू भाई, मतलब जिसके पास, जिसको जहाँ ज़रूरतमंद दिखे सर्दी में। अब मैं अपने से ही लगाता हूँ, वर्दी में ही रहते हैं हम ज़्यादातर, एक लवर टी शर्ट होता है, कई बार ब्याह शादी के लिए कपड़े ले आते हैं, वो छोटे ही हो जाते हैं, हम दोबारा शायद पहनने ना पाए। अगर उनसे किसी ज़रूरतमंद का तंडक जाए तो हमारे तो वेस्टेज ही हैं, अपने बच्चों के जूते हैं, चप्पल हैं। मतलब मेरी समाज सेवा ज़्यादातर फ्री वाली होती है, फ्री की क्या है, बस टाइम देना होता है। वेस्टेज चीज़ जो लोगों को लगती है वेस्ट है, घर में अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, एक दो रुपये 10 रुपये किलो बेचते हैं, उनको बेचने की बजाय अगर हमें दें तो किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। एक फ़िलहाल एक दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी आपने, किसी की गरीब लड़की की शादी वगैरह भी करा रहे थे आप। हाँ, हमारे पास फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे 7 लड़कियां हैं और लड़कियों में 2 लड़कियों की शादी है, तो हमने अपने भाईचारे से फेसबुक पे भी डाला, जिस जो भी पहुंचा, जिसने भी उसके लिए दिया, हम उनको दे के आए, बड़ी खुशी मिली। और जो एक लड़की थी, उसका अंकिता का कई साल पहले आँखों का ऑपरेशन करवाया था, 7वीं क्लास में पढ़ती है, दिवाली पे गए, उसको साइकिल दे के आए थे, भट्ठों में रहती है अपने मम्मी पापा के साथ, आज वो बेटी देख सकती है, किताबें दे देते हैं उनको, जो हमारे से होता है, मतलब जिसको खुशी मिले देख
कोई एक्सीडेंट वाला रोड पे जाते हुए मिल जाता, आपको भी मिलता है, लेकिन लोग सोचते हैं इग्नोर करो, छोड़ो, क्या पता पुलिस के लफड़े में पड़ेंगे, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो उसको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा दो, अगर आप नहीं पहुंचा सके तो 112 पे कॉल कर दो, एम्बुलेंस को बुला लें, तो यही तो होती है समाज सेवा। नहीं, जैसे कि पहले जो पहले होता था, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई अनजान व्यक्ति उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाए तो उस पर केस चल जाता था। ना ना, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कई बार हुआ है ऐसे, एक्सीडेंट करने वाले ने ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया, किया अच्छा है, लेकिन पुलिस को कहीं से पता लग जाए कि हाँ इसने ही एक्सीडेंट किया, उससे तो पूछताछ होगी, फिर वो नौटंकी करते हैं, वायरल हो जाते हैं कि हम तो लेके गए थे, हमें ही फंसा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार प्रोत्साहन देती है अगर कोई किसी की जान बचा सके तो। और मतलब पूछताछ में भी क्या जाता है, अगर देखो तो पुलिस वाले ने ये पूछ लिया, भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ देखा आपने, ये चीज़ें अगर इसमें भी डर लगता है तो फिर तो इसको ही वो बना देते हैं। सभी भाई जो अगर जो वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको आने वाले टाइम में या कभी भी रोड एक्सीडेंट, कोई भी भाई, कोई भी हो सकता है, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की बहन, तो उसकी हेल्प जरूर करें, कोई केस वगैरह कुछ नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता भाई, जिसने करनी है तो जरूर करें जी। कुछ दिन पहले सर आपने एक चलान के बारे में भी वीडियो अपडेट करी थी फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? उसका यही था कि जैसे चलान कट जाता है, तो जैसे कुछ चलान ऐसे हैं जिनके बारे में हम विस्तार से आपसे एक दिन बात करेंगे या वीडियो बनवाएंगे आपकी, कि जैसे चलान कट जाता है उसको कम कैसे किया जाए, हम अगली वीडियो आपके साथ इसके ऊपर, मैं इसकी थोड़ी सी और जानकारी जुटा के पूरे प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर बताएंगे। इनकी चेंज हो चुका है चलान का सिस्टम? हाँ, जो चलान का है रूल, नया एक्ट आया था ना जो पीछे, उस एक्ट में कुछ सिस्टम ऐसे हैं जैसे चलान कट जाए तो बाद में कैसे कम होता है, वो मैं पूरा परफॉर्मा के साथ आपको बताऊँगा। एक आपने साइकिल यात्रा शुरू करी थी, साइकिल यात्रा के साथ आपने के साथ को कितने बंदे जुड़ चुके थे? मेरी साइकिल यात्रा मैंने अकेले ने शुरू की थी जी। हमारे साथ एक ऑटो था दीपक भाई का, जिसमें पौधे थे, मेरे साथ नरेंद्र था, अमर था, अमित भाई था, हम कई साथी थे जो यहाँ से चले थे, हम उधर भिवानी दादरी वगैरह होते हुए पूरे एरिए से 900 किलोमीटर साइकिल चला के वापस आए थे, लोगों को जागरूक किया था, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, नहीं तो पछताओगे। और वही कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, और आज देख सकते हो धुएं की वजह से अगर 11 पौधे हैं तो हम बचे हुए हैं, अगर पौधे ना होते तो हम दम घुट घुट के मर जाते, ये हमारा एक मोटिवेशन। तो जितने भी आपने काम करना कर रहे हो आप समाज सेवी संस्था अपने जो शुरू कर रहे हो आप, कोई राजनेता भी आपके साथ आया? मैं किसी राजनेता के खिलाफ ना मैं किसी के साथ, मेरा तो यही है ना मेरी कोई संस्था, और हम तो ऐसे ही हैं बस, एक और एक दो अभी चल पड़ा, कोई मिल गया ठीक है, नहीं तो हम अपने आप लगा देंगे, पेड़ पौधा लगाने में क्या दिक्कत है, जब कोई ऐसा आएगा साथ देने वाला तो सोचेंगे उसके ऊपर भी हम करेंगे भाई के साथ। एक आप जब मैंने देखा है कई बार वीडियो में आपके साथ एक लंडी जीप है, एक जिप्सी आपके पास, उसके अंदर खाना वगैरह बांट रहे हो, वो जिप्सी का क्या रूल है उसके अंदर, कहाँ से वगैरह? जिप्सी थी, लेके आए थे हम 49,000 50,000 की, 49 की वो लॉकडाउन में बेच के हमने ये इसी राशन में लगा दी थी उसको। उसके बाद अपने एक दोस्त है नरेंद्र, उसके पास है अब एक ऐसी ही जिप्सी, वो लेके आया हुआ है, उसको ले जाते हैं जब भी जरूरत पड़ती है कुछ सामान इधर उधर, वो फ्री आ जाता है, दीपक आ जाता है छोटा थी लेके ऑटो, उनमें ले जाते हैं। आज बहुत सारे अपने वीडियो देखने आ रहे हैं यहाँ, जितने भी भाई देखने आ रहे हैं, कुछ मोटिवेशन की सब बताओगे भाई, कुछ जो आजकल के बच्चे हैं जो नौजवान हैं नशे के हालत में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? भाई नशा नाश की जड़, कागजों में या एक स्टिकर पे लिखा दिखा हमने, सही में नशा नाश की जड़ है, नशे से दूर रहें, जो माता पिता देख रहे हैं अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, ना कि पैसे के पीछे भागेंगे कमा ले, वो बच्चा नशे में पड़ के फिर रोते हैं, औलाद काम की नहीं रहती, कोई भी भ्रष्टाचारी काम ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और युवाओं को कहूँगा कि भाईचारा जो माँ बाप चाचा ताऊ का था उसकी तरफ ध्यान दें, हम देखते हैं चार भाई बैठे होते हैं लेकिन बैठे ज़रूर हैं कुर्सियों पर, अपने अपने फ़ोन में लगे होते हैं, थोड़ा सा टाइम भाईचारे को और समाज को दें, सामाजिक कामों में भाग लें, यही मेरा संदेश है। ओके सर, थैंक यू। एक आखिरी क्वेश्चन हो रहेगा, एक आपने बाप की पगड़ी वाले वो चलाया था, तो उसके बारे में अपने क्या सोच के चलाया था वो? सोच के तो एक मैंने एक वीडियो देखी थी, एक लड़की को उसका बाप पैरों में पगड़ी रखता है और वो लव मैरिज करवा लेती है, उसको मनाता है कि आप मैं शादी कर दूँगा आप अपने घर चलो, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं होती, वो सच्चाई है राजस्थान की, तो उस बाप पे क्या बीतती है
जिसकी बेटी मतलब 18 साल ही पहले या बाद में किसी के साथ बाकी अपनी मर्जी से शादी कर लेती है, तो उनको मैं ये दिखाना चाहता था कि भाई बाप की पगड़ी या लव मैरिज, लव मैरिज करने से पहले एक बार बाप की पगड़ी की तरफ जरूर देखना। ये सपने, ये ज़िंदगी, ये सब माँ बाप ने हमें मतलब ज़िंदगी दी है, उनके सपनों को साकार करें। खुद के दो मिनट के प्यार या स्वार्थ के लिए बाप की पगड़ी को मत रोन दे। मैंने एक अपील की थी और वो काफ़ी काफ़ी युवाओं ने उसको सराहा था। तो आपकी इसमें आपकी क्या सोच है लव मैरिज में या अरेंज मैरिज में, आप क्या चाहते हो? मैं तो मेरी सोच तो है, मेरी शादी तो अपने मेरी माँ ने मेरे बाप ने अपने हिसाब से की थी। मैं तो ये कहता हूँ जो माँ बाप मतलब सोचते हैं बच्चे के लिए, भविष्य के लिए, उसके लिए जो जीवन साथी चुनते हैं, हाँ ठीक है हम भी उसे पसंद करें, देख ले, इतना मतलब खुला चलता है हमारे ग्रामीण अंचल में। मैं तो इसके खिलाफ भी नहीं हूँ और मैं ये नहीं कहता कि बाप की पगड़ी को रौंद के किसी के साथ भी भाग जाओ। लड़का हो या लड़की, एक बार अपने परिवार की तरफ जरूर देखें। ओके सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर बात करने के लिए। एक जाते जाते सभी को जय हिंद, जय हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा। और भाई भाई इतनी दूर से आए, इसकी वीडियो लाइक शेयर जरूर करना और इसका साथ देना साथी। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।